जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको MPPSC, MPSI, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस से संबंधित जो आपका MP GK है उसको मैं याद करवा रहा हूँ ट्रिक से रोज, है ना। तो आप बने रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात को ट्रिक से। अभी तक आपने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी होंगी, लेकिन आज की ट्रिक फनी ट्रिक है, कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। ऐसी अनेकों ट्रिक आएंगी और आपको एग्जाम पास करने के बिल्कुल उस पार ले जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आप दोस्तों MP के मैप के दर्शन कीजिए। ये MP का मैप है, इसके आप पूरा दर्शन करें, ठीक है। दर्शन आपने कर लिए होंगे और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो रहता है उसमें हम आपको टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट के साथ आपको ट्रिक बताते हैं और साथ ही मैप के साथ आपको बताते हैं कि आपका जो प्रपात है, जो स्थान है, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको माइंड में सेट कर जाती हैं, तब आपको पहला प्रश्न आपको बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात कहां स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे और आपको कमेंट में उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो कपिलधारा जलप्रपात है ये कहां पर है, अमरकंटक में है, ठीक है। ये है दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर बना मध्य प्रदेश में जो है ये सबसे बड़ा जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। और दोस्तों, अब इसको याद कैसे करना है, सर थोड़ी फनी ट्रिक बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, आप कपिल जब नाम लेते हैं तो क्रिकेट सभी लोग खेलते होंगे और आपको याद आता है कपिल देव, है ना, याद आता ना। तो कपिल देव से आपका बना क्या, कपिल धारा जलप्रपात, ये तो आपको याद है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि कपिल देव 24 साल की उम्र में नर्मदा की धारा में बहे और क्या हो गए, अमर हो गए। कपिल देव 24 साल की उम्र में नर्मदा की धारा में बहे और अमर हो गए। तो आपको याद रख लेना है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है, अमर हो गए तो अमरकंटक में बना है, ठीक है। और 24 साल में, यानी कि ये 24 मीटर ऊंचा है, याद रख लेना है आपको। कपिल देव से आपको कपिल देव तो याद आ ही जाता है, कपिल धारा से तो आपको इतना याद रखना है कि कपिल देव 24 साल की उम्र में नर्मदा की धारा में बहे और क्या हो गए, अमर हो गए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कपिल देव के बारे में, ये अमरकंटक में है दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात, और 24 मीटर ऊंचा ये है, तो ये चीज भी याद रखना है। और ये अमरकंटक दोस्तों यहां पर है अनूपपुर में, जहां पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, सभी लोगों को पता है। और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये 1077 किलोमीटर नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश में, और इसमें जो जलप्रपात बनता है वो कपिल धारा जलप्रपात बनता है। बहुत ही बढ़िया और फनी ट्रिक से आपको याद करवाएंगे दोस्तों। आपको बताना है अब धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भेड़ाघाट। अब आपको नहीं लगता ये कैसा नाम है यार, भेड़ा भेड़ा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो भेड़ाघाट है जबलपुर में है, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एक होती है भिंडी और एक होता है भेड़ा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा बरसात के समय में बारे रहते ना, जो बारे में बोते हैं, एक भिंडी होता है और एक होता है भेड़ा, है ना। तो याद करवाएंगे हम आपको, यह है दोस्तों भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, है ना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसे धुआंधार जलप्रपात इसलिए कहते हैं कि यहाँ जब पानी गिरता है तो वो पानी धुआं सा ऊपर उठता है, इसलिए धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, है ना। तो धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट में है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, तो दोस्तों ये याद रखना कि भिंडी का जो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा वो भेड़ा, ठीक है। भिंडी का पुल्लिंग भेड़ा, और भेड़ा दोस्तों जब यहाँ के लोग भेड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें क्या रख देते हैं, आगी लगा देते हैं, और आगी से क्या उठता है, धुआं, धुआं उठता है, तो ये धुआंधार हो जाता है। काय में आगी लगाते हैं, भेड़ा में आगी लगाते हैं और धुआं उठता है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ होगा, भेड़ाघाट में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ होगा, भेड़ाघाट में। और एक चीज और है दोस्तों, ये जो धुआंधार जलप्रपात है, और यहाँ आप लाल इसमें देख रहे होंगे, यहाँ 18 साल के बच्चे भी इसमें कूद जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 18 साल के बच्चे भी इसमें कूद जाते हैं धुआंधार जलप्रपात में। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी,
18 मीटर। अब हम पूछेंगे आपसे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो आप बताओगे सर धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर के पास भेड़ा घाट में स्थित है। और ये धुआंधार जो जलप्रपात है दोस्तों, इसका नाम ऐसे पड़ गया कि भेड़ा में जब आगी रखी तो धुआं निकला, तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट। और भेड़ा घाट की जो धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई वो 18 मीटर, क्योंकि यहाँ 18 साल के बच्चे भी इस प्रपात में क्या होते कूद जाते हैं, है ना। तो 18 मीटर आपको याद रख लेना दोस्तों। ये है आपका जबलपुर मैप में देखो, और यहाँ पर आपका भेड़ा घाट है, और यहाँ पर जो है आपका धुआंधार जलप्रपात है। जरूर पधारिएगा भेड़ा घाट, ठीक है। मैं भी जबलपुर से हूँ, और जब आप धुआंधार जलप्रपात आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे याद करना है। अब आपको बताना है दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। दुग्धधारा 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, फिर मैं आपको फनी ट्रिक बताने वाला हूं, तो जल्दी से बताएं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये भी कहां पर है, अमरकंटक में है दोस्तों। कहां पर है, अमरकंटक में दुग्धधारा जलप्रपात है दोस्तों। ये मतलब 200 मीटर के नीचे है, जो आपका कपिलधारा जलप्रपात है उसके 200 मीटर नीचे ये दुग्धधारा जलप्रपात है। और दोस्तों जब ये दुग्ध की धारा निकलेगी अमरकंटक से और 15 रुपया लीटर मिलेगी, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे, क्योंकि ऐसी दुग्ध धारा है कि आप एक बार पियोगे और क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। ऐसी दुग्ध की धारा कहाँ से बह रही है, अमरकंटक से बह रही है, और 15 रुपया लीटर मिल रही है, एक बार पियो और अमर हो जाओ। क्या हो जाओ, अमर हो जाओ। अब याद रख लेना, आपसे कभी पूछा जाएगा कि दुग्ध धारा, बोले हाँ अमरकंटक में बह रही है दुग्ध धारा और 15 रुपया लीटर मिलती है, तो दुग्ध धारा जलप्रपात आपका हो जाएगा अमरकंटक में। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 15 मीटर, ठीक है, तो 15 रुपया लीटर, ठीक है। यहाँ से देखो एक दुग्ध धारा जलप्रपात है दोस्तों, जब इसका पानी बहुत तेजी से गिरता है तो इसकी जो धारा है वो ऐसे लगती है जैसे दूध की धारा हो। कहा जाता है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम दुर्वासा भी रखा गया और आज हम इसे दुग्ध धारा कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और दुग्ध धारा जलप्रपात जब आपसे पूछा जाए तो इतना जो मैंने बताया वो याद रखना, 15 मीटर ऊंचा है। और मैप में देखें तो ये है दोस्तों अनूपपुर, और अनूपपुर जिले में कौन सा है, अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और यहीं पर है अपना दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। इतना चीज आपको याद हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं मंधार जलप्रपात, मनधार है ना, याद रख लेना। जैसे हमने कान्हा याद किया था, कान्हा किसरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो बोले सर कि कान्हा को देखकर मेरा मन डोला, कान्हा को देखकर मेरा मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मन डोला तो मंडला, ऐसे हमने याद किया था। वैसे ही मन धार धार जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जब आप देखते हैं नर्मदा को दोस्तों, तो इसमें ऐसी धार धार बहती हो और आपका मन जो होता है कभी उस धार में कभी इस धार में, तो आपका मन क्या हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, कभी उस धार में कभी इस धार में। तो मंदधार जो जलप्रपात है वो कहाँ पर होगा, बोले सर खंडवा में, क्योंकि जो मन है वो धार धार जाता है और खंड खंड हो जाता है, तो ये खंडवा में स्थित होगा, ठीक है। और ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बार बार खंड खंड हो जाता है, बार बार खंड खंड हो जाता है, तो इसकी मंधार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 12 मीटर होगी। तो दोस्तों आपको अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि सर ऐसी फनी ट्रिक आपने बताई है कि कभी नहीं भूलेंगे। मंधार, बोले मंधार जलप्रपात कहाँ है, तो आपने बता दिया कि मन धार धार जाता है, कभी इस धार कभी उस धार, और खंड खंड हो जाता है, और एक बार नहीं बार बार जाता है, इसलिए मंधार जलप्रपात की ऊंचाई 12 मीटर हो जाएगी। और ये है दोस्तों आपका क्या, मंधार जलप्रपात कहां पर है, खंडवा में, ठीक है। तो ये है आपका मंधार जलप्रपात, यहां पर खंडवा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दर्दी जलप्रपात कहां है, दर्दी। अब दोस्तों यहां आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, खंडवा। अब एक चीज बताना दोस्तों कि दर्दी से क्या बनेगा, दर्द, दर्द तो सभी को होता है। आप कभी बोलते हो अपनी मम्मी पास पापा से, मम्मी यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, शरीर के सबरे खंड खंड में दर्द हो रहा है, शरीर के पूरे खंड खंड में दर्द हो रहा है। तो ये दर्दी जलप्रपात कहाँ पर होगा, खंडवा में, कहाँ पर होगा, खंडवा में होगा।
तो याद रख लेना, दर्दी से दर्द और दर्द शरीर के पूरे खंड खंड में हो रहा है, एक एक खंड है, ऊपर का खंड है, सब पूरे खंड खंड में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो नर्मदा नदी है दोस्तों, और नर्मदा नदी में खंडवा में एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है दर्दी जलप्रपात, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये खंडवा है, और खंडवा में आपका मैंने मंधाता भी पढ़ाया, मंधाता और दर्दी जलप्रपात ये कहां पर है, खंडवा में है, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलना, जब भी है ना, जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठोगे दोस्तों और दर्दी आएगा तो आपको याद आएगा, मैं बोल रहा हूं 100% आपको याद आएगा। आप बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप भूल नहीं सकते, आपको याद आएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां स्थित है, सहस्त्रधारा दोस्तों यहां पर आपको बताना है 2 सेकंड में, ये कहां पर स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश्वर, और आपने सुना होगा कि शंकर जी को क्या कहा जाता है, महेश कहा जाता है, और महेश की जटाओं से क्या हुआ था, गंगा निकली थी, सहस्त्रधारा निकली थी, क्या निकली थी, सहस्त्रधारा निकली थी, किनकी जटाओं से, महेश की जटाओं से, सहस्त्रधारा निकली थी महेश की जटाओं से, ऐसी ही एक धारा थी नर्मदा, और नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बना है, कहां पर, महेश्वर, और महेश्वर कहां पर है, तो खरगोन में है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां स्थित है, तो बोलोगे सर कि सहस्त्रधारा निकली थी महेश यानी कि शंकर जी के जटाओं से, तो ये महेश्वर में होगा, और महेश्वर कहां है, खरगोन में, किस नदी पर होगा, तो नर्मदा नदी पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, नर्मदा माई के दर्शन करें और जल्दी पुण्य कमाएं। ये है दोस्तों, और ये कितने किलोमीटर है, 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। यहां पर आपका खरगोन है दोस्तों, खरगोन, एक खरगोन में आपका है कौन सा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है, अब बोलोगे सर महेश्वर में है, महेश्वर कहां है, तो खरगोन में है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद हो गई दोस्तों। एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब याद आने की बारी आती है कि नर्मदा नदी पर बने जितने भी जलप्रपात हैं वो कितने हैं, तो एक कोड आपको याद रख लेना है कि मधु ने साहस करके दुख दुख दर्द दूर किया, मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। तो अब देखो कैसे, माँ से क्या हो जाएगा आपका, माँ से मंधार जलप्रपात खंडवा, ठीक है, धू से आपका क्या होगा, धू से धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, है ना, तो साहस से सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है, महेश्वर में, ठीक है। दू से क्या हो जाएगा आपका, दुग्ध धारा जलप्रपात, का से हो जाएगा दोस्तों आपका कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक, और दर्द से दर्दी जलप्रपात खंडवा में, ठीक है। तो आपको 2 ट्रिक आपको बता दी है ना, दोनों ट्रिक से आप याद कर लेना, वैसे भी मैंने वो पहली जो ट्रिक आपको बताई है क्वेश्चन से, तो आपको हर एक चीज पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा दर्दी जलप्रपात कहाँ है, बोले सर दर्द तो खंड खंड में होता है, तो ये खंडवा में है नर्मदा नदी पर। मैं बोलूंगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो आप बोलोगे सर भेड़ा जब सूख जाता है तो धुआं रख देते हैं, तो ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ होगा, भेड़ा घाट में होगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 24 साल की उम्र में जो कपिल देव हैं उन्होंने नर्मदा की धारा में बहकर वो क्या हो गए, अमर हो गए, तो अमरकंटक आपका हो जाएगा कि कपिल धारा अमरकंटक में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फनी ट्रिक के माध्यम से जुड़े रहना है, एक से एक नई नई ट्रिक मैं आपको निकाल के दूंगा, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेहनत नहीं करना, आपको वीडियो देखना है सिर्फ, है ना, सोते सोते वीडियो देखो और याद हो जाएगा आपको। और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करें, इसी प्रकार से मैं आपको जितने भी आपके मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं सारे के सारे प्रपात याद करवा दूंगा। जिंदगी बदल देने के लिए कुछ प्रेरणादायक विचार है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। सफलता का रास्ता क्या है, एक बार और प्रयास किया जाए। कभी कभी दोस्तों आप सफलता के करीब पहुंचते हो, 2 कदम पीछे और वहां रुक जाते हो कि यार अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, है ना। और यहां अगर आपकी सोच होगी कि एक बार और प्रयास किया जाए तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। जय हिंद।